जनपद हापुड़ की तहसील गढ़मुक्तेश्वर के तीर्थ नगरी ब्रजघाट से होकर कलकल बहती मोक्षदायिनी पतित पावनी गंगा माया ने डेंजर संकेतिक निशान को पार कर दिया है, जिसके चलते अघोषित बाढ़ जैसी स्थिति में हजारों हेक्टेयर जंगल पानी में जलमग्न हो चुका है। बता दें कि बिजनौर बेरा से छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी के चलते तीर्थ नगरी ब्रजघाट में मोक्षदायिनी पतित पावनी गंगा माया के द्वारा डेंजर संकेतिक निशान को पार करते हुए एक घोषित बाढ़ क्षेत्र के हजारों हेक्टेयर जंगल को जलमग्न कर दिया है, जिसको लेकर खादर क्षेत्र के गांव में दहशत फैली हुई है और ग्रामीणों को बाढ़ का डर सता रहा है। पशुओं के चारा लाने एवं अन्य रोजमर्रा कामों से संबंधित जंगल से होकर गुजर कर जाने के लिए पानी से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि गंगा माया का जल स्तर बढ़ने के चलते पानी रास्तों में खेतों में खलियानों में भर चुका है, जिसको लेकर ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हापुड़ से अभिषेक कश्यप की रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद है जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी में। यहाँ पर एक बाढ़ का पानी देखा जा रहा है कि 3 से 4 फुट पानी है, जंगल में पूरा पानी पानी हो रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जानते हैं क्या पूरा मामला है, कितना पानी है। सर क्या नाम है आपका? सर ये जो रास्ता है ये कितने गांवों को जोड़ता है? लगभग जोड़ता है 6 से 7-8। इस पर लगभग कितना पानी होगा? इस समय जो पानी है लगभग 4 फुट के आसपास पानी होगा। सर ये जो रास्ता है गांवों को जोड़ता है, कौन कौन से गांव है? पहला गांव जो पड़ेगा तुम्हारे इधर में हीरा है, हरीपुर है, और इधर तुम्हारे कुधनी चले जाओ रामपुर की मंडिया और लठीरा दूसरा वाला, और एक लठीरा पहले ही पड़ता है। सर ये जो पानी जो बढ़ा है, ये स्थिति जो बढ़ी है, कब से बढ़ी है? लगभग कल शाम से। कल शाम से बढ़ती जा रही है? बढ़ती जा रही है। गाँव में कितना पानी है लगभग? गाँव में किनारे पे है, गाँव में घर में नहीं घुस पाया है, गाँव के किनारे पे खेतों में आ गया, घर की दीवार से लग गया है, लगभग घुस जाएगा जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है। देखिए ये मार्ग जो है वो मेला मार्ग है, जहाँ पर धान का मेला भरता है, वहाँ पर भी देखने को मिला है कितना पानी भर रहा है। यहाँ पर लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है।